स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत आउटस्टैंडिंग कर्मचारियों ने 2.5 माह से वेतन न मिलने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को भी किया उजागर। आउटस्टैंडिंग कर्मचारियों ने अवगत कराया है कि आउटस्टैंडिंग के तहत जीत सिक्योरिटी के द्वारा नियुक्त किए गए जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में कार्य कर रहे स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 82 कर्मचारियों को विगत जुलाई 2021 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के तहत न्यूनतम वेतन मिलने पर ही लगभग 2.5 महीने से वेतन का भुगतान न होने के कारण कर्मचारी एवं कर्मचारियों का परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। अनेकों बार उच्च अधिकारियों से एवं कार्यालय में संपर्क करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और उन्होंने बताया कि जब हम CMS कार्यालय पर जाते हैं तो हमें वहां से CMO कार्यालय भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वेतन का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के समस्त समय से वेतन का भुगतान किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से समस्त कर्मचारियों ने मांग की है कि कर्मचारियों का वेतन तत्काल दिलवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में हिमानी, अरविंद, विनय कुमार, वंदना सिंह, पारस, सोनिया चौधरी, उषा आदि कर्मचारी लोग मौजूद रहे। संदीप बड़ोल, किस चीज को लेकर आए थे? ये जिला चिकित्सालय के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो जी सिक्योरिटीज कंपनी की तरफ से रखे गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 82 है, जिसमें स्टाफ नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फोर्थ क्लास एम्प्लाईज सब लोग हैं। इनके पिछले 2.5 महीने से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ से इनको भगा दिया जाता है, CMS के पास जाते हैं वहाँ से इनको भगा दिया जाता है, कार्यालय जाते हैं तो लिपिक महोदय इनको भगा देते हैं। और पिछले 2.5 महीने से ये बेचारे जो 15-15, 10-10 और 18-18 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाई और BSc MSc नर्सिंग 18 हज़ार की आउटसोर्सिंग पे नौकरी कर रहे हैं, कोई गोरखपुर का है, कोई लखनऊ का है, और 2.5 महीने से 3 माह होने जा रहे हैं वेतन के भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय के सामने इन सब ने अपनी गुहार लगाई है, उन्हें ज्ञापन दिया है कि अगर उन्होंने अब बात की है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत आती है वो शासन में बात करने के लिए उन्होंने कहा कि आप शासन चिट्ठी भेजिए। स्थिति यह है कि जुलाई माह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में 80 लाख रुपए का बजट भेजा गया NHM का। स्पष्ट आदेश है मुख्यमंत्री के कि चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे संविदा का कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, महीने की 5 तारीख तक उसको वेतन हर हाल में दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के स्पष्ट आदेश है, एक नहीं कई बार आदेश हो चुके हैं, और 80 लाख बजट आने के बाद भी जुलाई माह का वेतन इन लोगों को नहीं दिए, उस बजट का यूटिलाइज कहीं और जगह कर दिया। अपनी बातें सब माननीय जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डालिए। ई हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग के कर्मचारी एक अपनी परिधि में कार्य कर रहे हैं, उनका 2 बार वेतन उनके नाम से वेतन का बजट वहाँ से सरकार भेज रही है, और हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ मुरादाबाद में अस्पताल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उस बजट को दूसरी जगह यूटिलाइज कर लेते हैं, और वो कर्मचारी 4-4 महीने से बिना तनख्वाह के अभाव में अपने परिवार के साथ भुखमरी का कगार पे। तो ये अव्यवस्थाएँ तमाम स्वास्थ्य विभाग में फैली हैं, उन सबकी जानकारी आज जिलाधिकारी महोदय को दी है, और निश्चित रूप से अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ हम राज कर्मचारी संयुक्त परिषद इनके साथ एक वृद्ध आंदोलन इस जनपद में करेगा, और इन अधिकारियों के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं इनके जो कारनामे हैं उनको जनता के सामने लाया जाएगा। इनका 5% वेतन पिछले 1 साल से काटा जा रहा है, ये गुहार लगा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहा गया तो उन्होंने कहा जिलाधिकारी महोदय के पास फाइल भेजेंगे, आज तक फाइल नहीं भेजी गई। CMS के यहाँ वही स्थिति है, CMS के यहाँ, CMO के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक जो कहना चाहिए कि 18 हज़ार रुपये वेतन पाने वाले का 1 हज़ार रुपये अनायास काटा जा रहा है, उसके विषय पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे इनके साथ, चूँकि आउटसोर्सिंग के एम्प्लाईज हैं तो इनको ये मांगना समझा जाता है कि जैसे कोई घरेलू नौकर हैं, इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ किया जाता है, जो कि निश्चित रूप से अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।